कैसे हो मेरे स्वागत के मित्रों, मैं शैबूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी किचन के अंदर। आज की रेसिपी बहुत सिंपल होने वाली है और थोड़ी अलग भी होने वाली है, क्योंकि ये रेसिपी है हमारी शेफ अब्बासी की। क्योंकि वो रेसिपी बनाते थे शीरखुरमा और हम सोचते रह जाते थे कि भाई बनाते कैसे हैं, तो बड़ी मुश्किल से मिली है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए, रेसिपी बनाने से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए बिग बास्केट को और बेल आइकन जरूर दबा देना, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए ईद की ये शानदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चाहिए हमको डेट्स, और डेट्स मैंने क्या किया है, पहले से भिगो के रखे हैं और इनको वॉश करना मत भूलना। कई बार क्या होता है कि दूध फट जाता है इसकी वजह से। यहाँ पे है लगभग 10 से 12 आलमंड जिनको चॉप कर लिया गया है, और ये है इलायची का पाउडर। और इलायची का पाउडर आपको पता ही है, हमेशा पहले से बना के नहीं रखना चाहिए, बाद में बनाना चाहिए, खुशबू बनी रहती है। ये है काजू 10 से 12, इसको भी चॉप कर लिया गया है। 10 से 12 वॉलनट्स हैं। ये है चिरौंजी, भाई शीरखुरमा की खास चीज़ है ये, इसको डालना तो बनता ही बनता है, बाकी चीज़ें आप डालें ना डालें। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। सैफ्रॉन मतलब कि जाफरान अगर है तो भाई मज़ा आ जाएगा। साथ में हम यहाँ पे मिल्क मेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस रेसिपी की खास ये है कि ये जो सेवइयां ली है ना, ये रोस्टेड होनी चाहिए और पतली वाली होनी चाहिए, वो मोटी वाली मत ले लेना। और शीर खुरमा मतलब शीर मतलब कि दूध, ये तो डलेगा डलेगा, खुरमा मतलब कि डेट। तो चलिए मिलके बनाते हैं। तो ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम गैस जलाने से, और यहाँ पे रखेंगे हम पैन। और इस रेसिपी की खास बात पता क्या है कि ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये हलवाई के द्वारा बनाई गई है, मतलब शेफ को जो हलवाई बोलते हैं। और जब भी हलवाई पानी गर्म करते हैं या दूध गर्म करते हैं, सबसे पहले पानी डालते हैं। और पानी क्यों डालते हैं, क्योंकि पानी इसलिए डालते हैं क्योंकि एक स्टीम बनती है, और स्टीम बनने की वजह से दूध लगता ही नहीं है, ये छोटी सी सीक्रेट है। पानी यहाँ पे गर्म हो गया है, सबसे पहले हम दूध डालेंगे यहाँ पे। और जो मैं दूध ले रहा हूँ यहाँ पे, ये फुल फैट ले रहा हूँ। खीर और शीर खुरमा में क्या अंतर हुआ, यही तो अंतर हुआ, मतलब थोड़ी सी गाढ़ी होती है ये, तो गाढ़ी करने के लिए इसको फुल फैट होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है यहाँ पे 1 टेबलस्पून घी, क्योंकि घी में हम रोस्ट करेंगे अपने नट्स। तो सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे आलमंड्स, आलमंड के बाद में कैशनट, वॉलनट्स, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चिरौंजी। जब भी इसको फ्राई और रोस्ट किया जाता है, हमेशा लो फ्लेम पे किया जाता है, तेज फ्लेम पे करेंगे तो जलने लग जाएगा ना, और कलर आ जाए, हल्की सी खुशबू आ जाए, उसके बाद ही निकालना है। तो इनको फटाफट से निकाल लेते हैं, वरना कलर डार्क हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे उबल रहा है दूध, और दूध जब उबलता है एक बार इसमें उफान आने दीजिए, और जो मलाई जमती है ना, इस मलाई को जमने नहीं देना है, इसको तोड़ना है, क्योंकि हमको बनानी रबड़ी स्टाइल में, मलाई थोड़ी बनानी है। अब ये कम इंग्रेडिएंट के साथ बनती है तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तामझाम होता नहीं है, बहुत ही बारीकी के साथ में ये बनाई जाती है। जिस पैन में हमने नट्स फ्राई किए थे, उसी में हम 1 टेबलस्पून और घी ऐड करेंगे, और उसमें डाल रहे हैं हम सेवइयां। अब आपके दिमाग में आएगा इसको रोस्ट है तो इसको वापस क्यों रोस्ट क्यों कर रहे हो, भाई इसको रोस्ट नहीं करेंगे तो खुशबू कैसे आएगी, और इसका कचरा नहीं करना है, इसको 1/2। कई लोग इसको जला देते हैं, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इसको चलने दीजिए। दूध उबलते टाइम हमको डालनी है यहाँ पे केसर, केसर यहीं पे डालनी होती है, बाद में डालेंगे तो कलर नहीं आएगा। सेवइयां यहाँ पे फ्राई हो रही है हमारी, अब कैसे पता लगाएं कि भाई ये हो गई है, ये तो ऑलरेडी कलर इसमें डार्क है, तो इसकी कुछ खुशबू होती है और एक वाइटनेस इसके अंदर आपको आने लग जाएगी, हल्की सी वाइटनेस। अब फटाफट से इसको भी निकाल लेते हैं, ये लीजिए ये हो गई डन। और यहाँ पे हमारा दूध रिड्यूस होते होते लगभग 100 ml के आसपास उड़ गया होगा। काम जल्दी करना है तो हम डालेंगे इसके अंदर मिल्क मेड। टाइम है तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि इसको डालना ज़रूरी है, ये थोड़ा टाइम की बचत हो जाएगी। तो यहाँ पे डालेंगे हम यहाँ पे 100 ml के आसपास, लेकिन ये डाला है इसका मतलब ये नहीं कि इसको उबालना नहीं, इसको उबालना है, दूध के साथ में मिक्स होएगा तभी तो पता चलेगा। है तो छोटी सी बात लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं चीज़ को, लेकिन इसको जमने दीजिए, और उसके बाद में धीरे धीरे करके इसको स्क्रैप कीजिए। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे सेवइयां, जो सेवइयां हमने पहले से रोस्ट करके रखी थी वो ऐड कर देंगे यहाँ पे। इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, यहाँ पे दूध उबलने देंगे हाई फ्लेम पे, उबलने दीजिए अच्छी तरह से। और मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मीठा मीठा भाई मैं तो कम खाता हूँ, इसलिए मैंने 100 ग्राम डाला है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। शीर खुरमा, शीर तो हो गया दूध, खुरमा मतलब कि हमारे ये डेट्स, ये डालना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने पहले से भिगो के रखे थे, और इसलिए भिगो के रखे कि जल्दी हो जाएंगे, तो ये ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं इसको, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दूध इसकी वजह से कर्डल हो जाता है, भाई इसके बगैर तो शीर खुरमा बन ही नहीं सकता है। और यहाँ पे उबलते हुए हो गए लगभग 5 से 7 मिनट, हल्का सा जो गाढ़ा बना गया है ये आया है सेवइयां की स्टार्च की वजह से, और जो मिल्क मेड हमने डाला था उसकी वजह से। ये है जो ड्राई नट्स हमने फ्राई करके रखे थे, ये ऐड करने हैं लास्ट में, और इसको करते हैं मिक्स। तो बहुत ही बढ़िया डिश यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो चलिए शानदार सी रेसिपी को हम सर्व कर लेते हैं। इस रेसिपी की खास बात पता क्या है,
आप इसको गर्म भी खा सकते हैं और ठंडा भी खा सकते हैं। शेफ अब्बासी पता क्या करते थे, वो कई बार इसके अंदर खोया या मिल्क मेड का इस्तेमाल ही नहीं करते थे, वो डालते थे सिर्फ डेट्स। डेट्स के मीठे से ही वो काम चला लेते थे क्योंकि उनको थी डायबिटीज, वो मीठा नहीं खाते थे, मतलब टेबल शुगर का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो भाई इतनी सारी राज की बात आपको बता दी है तो एक लाइक तो बनता है ना। भाई इसकी खास बात पता क्या है, इसमें इलायची पाउडर लास्ट में डाला जाता है और इलायची पाउडर आपको हमेशा बोलता हूँ पीस के मत रखना, हमेशा उसी टाइम पीसना, खुशबू बहुत तेज आती है। होटल का शेफ बना रहे हैं तो जाफरान की गार्निश तो बनती है। और ये है फाइनल डिश शीर खुरमा। और रेसिपी जानने के लिए आपको बिग बास्केट चैनल को करना होगा सब्सक्राइब।